हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और आईपीओ के बारे में जिसका लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिसेंटली शेयर किया गया है, एंड मुझे लगा कि इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सब जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ इंटरेस्ट मिले। सो दोस्तों, अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि बेसिकली यूएस इलेक्शन है। यूएस इलेक्शन होने से पहले बहुत ज्यादा मार्केट में उतल पुतल हो सकता है, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन। उसके चलते ज्यादा से ज्यादा कंपनी जिनका भी आईपीओ पेंडिंग था, जिनका भी आईपीओ वेटिंग लिस्ट पे था कि वो लॉन्च करने वाले हैं, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड अप पिकिंग दिस प्रोसेस अ बिट फास्टर। दे आर स्पीडिंग इट अप सो दैट वो इलेक्शन वगैरह, वो भी जो भी टाइम है, वो क्राइसिस वाला पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल जो भी कंडीशन हो, उससे पहले उनके शेयर्स मार्केट में लॉन्च हो जाए, जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह होना है जो हो जाए। तो उसके चलते आप देख सकते हो लास्ट एक टाइम के अंदर में, मे बी आप बोल सकते हो लास्ट 3-4 हफ्ते के अंदर में एक होल्ड लगा हुआ है। जब लॉकडाउन हुआ है, कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन आया, लास्ट आईपीओ एसबीआई कार्ड्स आया था, उसके बाद से आप देख सकते हो रोजारी बायोटेक आया। रोजारी बायोटेक में बहुत ज्यादा हेवी लिस्टिंग हुई। उसके बाद रिसेंटली अभी लास्ट 2 दिन में जो आईपीओ आया आपने देखा होगा, रूट मोबाइल, अभी उसका एलोकेशन जो भी है कल निकल के आ गया है। एंड उसके अलावा सबसे ज्यादा आपने अभी देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसमें बंपर लिस्टिंग आया, बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे लोगों ने खरीदा है, एंड बहुत ही जम के इसका बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। तो अभी हाल ही में केमकॉन केमिकल्स का जो आईपीओ है वो मंडे खुलने वाला है, साथ में कैम्स का भी आईपीओ है, वो भी खुलने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो केमकॉन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो। कल ही मैंने उस पर एक वीडियो बना के डाला है क्योंकि मंडे से वो खुल रहा है, तो पहले थोड़ा सा मेंटली तैयारी करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आज मैं जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी बेसिकली बहुत दिन से वेटिंग लिस्ट पे था, एंड फाइनली वो आ गया है। एंड उसका नाम आप सब आपने तो सुना ही होगा, बहुत सारे आप लोग ऑलरेडी हो जो इसके एक्चुअली सर्विस यूज करते हो, आप ऑलरेडी इससे अपना शेयर्स खरीदते हो, बाई करते हो, या फिर हो सकता है आपने आईपीओ ही अप्लाई किया हो दूसरे किसी कंपनी का, इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में। सो जिस कंपनी से आप दूसरे कंपनी का आईपीओ अप्लाई करते थे, उसी कंपनी में आज आप खुद आईपीओ अप्लाई करोगे, विच इज समथिंग क्रेजी थिंग। तो ये एंजल ब्रोकिंग, अगर हम फॉर्म की बात करें तो बेसिकली इसका आईपीओ आने वाला है, एंड इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है आप दिमाग में रखिए, 22nd, जो कि ट्यूजडे है, इसका विंडो ओपन हो रहा है, 22, 23, 24, तो 3 दिन का विंडो जैसा नॉर्मल आईपीओ में होता है। एंड फाइनली 29th को इसका फाइनलाइजेशन होगा, इसका लॉटरी होगा, 30 तारीख को इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा, जो भी लकी नहीं रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगा एलोकेशन उनको रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, एंड फाइनली 5 अक्टूबर को ये एनएससी में और बीएससी पे लिस्ट हो जाएगा, जहां पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम पे आप कुबेरपीडिया नाम से सर्च कर सकते हो, एंड अपने क्वेरीज, क्वेश्चन, सजेशन जो भी आपके पोस्ट करने हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीओ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्लस हम ये भी देखेंगे कि अभी ग्रे मार्केट, जो कि हम अनऑफिशियल मार्केट बोलते हैं, उस पे आईपीओ का क्या प्राइस चल रहा है, अभी इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ बताऊं तो कंपनी अच्छा खासा पुराना है। तो 1996 में कंपनी का फाउंडेशन रखा गया था, दैट इज ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इट्स लाइक 24-25 ईयर्स ओल्ड कंपनी, एंड वो फाइन आपका एनएससी एंड बीएससी दोनों में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। और आप देख सकते हो उसमें जो मार्केट शेयर है उनका, मार्केट शेयर इज लाइक 6.3% उनका जो टोटल मार्केट शेयर है एनएससी में, जहाँ पे उनके अकाउंट्स हैं, लोग ट्रेड करते हैं उनके अकाउंट के थ्रू, इट्स लाइक 6.3%, जहाँ पे 2.15 मिलियन ऑपरेशनल अकाउंट्स एज ऑफ जून 2020। तो इस क्वार्टर के एंड तक 2.15 मिलियन उनके अकाउंट्स है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने किया है, इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग का पहले दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसके नए प्लेटफॉर्म के चलते इट बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एनएससी क्लाइंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी उनका एनएससी का बेस है, उन्होंने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो नया टेक्नोलॉजी यूज किया है, जिसके चलते उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, उसके चलते आज वो फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, जितना भी एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स है उसके कंपैरिजन में, जो फोर्थ लार्जेस्ट एप्लीकेशन जो लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट, माने जो क्लाइंट का जो ग्रोथ रेशियो है उसको अगर कंपेयर करें दूसरे वेंडर्स के साथ में, तो इसका पोजिशन 2 नंबर पे आता है। कंपनी का टर्नओवर की बात करें, लास्ट क्वार्टर Q1 फाइनेंशियल ईयर 21, इट्स एवरेज डेली टर्नओवर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 253 176 मिलियन
2,53,000 मिलियन रुपीज टू 618,000 मिलियन रुपीज। तो इसमें अच्छा खासा आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसके की प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि आप सबको पता है ये मोस्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग हाउस है बेसिकली, तो हमारे हमारे पास और भी ब्रोकिंग कंपनी है जिनके शेयर है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एडलवाइज हो गया, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है, आप जाकर उनका शेयर चेक भी कर सकते हैं। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी, सबको पता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये भी सबको पता है, इन्वेस्टर एजुकेशन, तो ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं, माने कि वो बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह या फिर लर्निंग या फिर ट्यूटोरियल्स या फिर आप बोल सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेस सेशंस ये सब कंडक्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए काम करते हैं। लोन्स अगेंस्ट शेयर्स ये उनका एक फिनेंस सेक्टर है, जहाँ पे आपके पास अगर शेयर्स रखे हुए हैं उस शेयर्स को आप गिरवी रख के आप लोन्स ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट्स एन एक्सटर्नल सर्विस दे डू। जैसा कि नॉर्मल होता है, आप बैंक में जाते हो, गोल्ड लोन हो गया, आप प्रॉपर्टी लोन हो गया, आप घर गिरवी रख के, आप जमीन गिरवी रख के, आप कुछ भी लोन लेते हो, राइट? तो अगर आपके पास अच्छे खासे वॉल्यूम में शेयर्स रखे हुए हैं तो आप शेयर्स गिरवी रख के भी पैसे ले सकते हो, तो उस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द बिजनेस दैट दे डू। एंड फाइनली रिसर्च सर्विसेज, तो ये काफी ज्यादा ये उनका जो रिसर्च फर्म है जो कि शेयर्स में रिसर्च करते हैं, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है, तो ये जो रिसर्च सर्विसेज है ये एज ए सर्विस सेल करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो आप अगर कस्टमर हो आप उनसे ये सर्विस बाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। अगर हम कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, बिकॉज ये एक डे टू डे नेम है, सबको इस कंपनी के ब्रांड के बारे में पता है। जो दूसरा पॉइंट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा उन्होंने अच्छा खासा अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस इंक्रीज और या फिर ग्रोथ के हिसाब से दो नंबर पे, और एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से फोर्थ नंबर पे, विच इज गुड। पैन इंडिया परफॉर्मेंस, इंडिया में हर एक सेक्टर में कहीं भी जाओ यहाँ पे उनका प्रेजेंस है। एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन फाइनेंस। तो ये ओवरऑल ये जो चार पांच पॉइंट है ये जरूरी पॉइंट है दिमाग में रखने के लिए। सो ये तो हो गया कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी क्या करती है नहीं करती है, उसके बिजनेस के बारे में। अब आईपीओ का थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डेट्स के बारे में बताना है जो मैंने बताया, तो ट्यूसडे से लेके थर्सडे इसका विंडो है, एंड फाइनली 29-30 को ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, एंड 5 अक्टूबर से इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो इसका जो लॉट साइज फिक्स हुआ है वो फिक्स हुआ है 305 से 306 पर इक्विटी शेयर, एंड लॉट साइज इज ऑफ 50 शेयर्स, 49 50 शेयर्स। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको पता है आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको अगर आप डिवाइड करोगे जो वो एक लॉट का प्राइस आपको पड़ेगा, दैट इज ऑलमोस्ट 306 × 49, तो वो आपका पड़ जा रहा है 14,994 रुपए, तो ऑलमोस्ट पकड़ पकड़ सकते हो 15K आपको मिलेगा। एंड अगर हम लॉट्स की बात करें, मैक्सिमम जो एक रिटेल इन्वेस्टर, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 13 लॉट्स, जिसका टोटल अमाउंट आ रहा है 1,94,922 रुपया। तो आप बहुत ज्यादा हो तो आप 13 लॉट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, आपको मैंने टोटल समरी बता दिया क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो आपको पता चल गया। ट्यूसडे का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे फाइनेंस का पार्ट है, वो देखने वाली बात है। अगर हम दोस्तों लास्ट 4-5 क्वार्टर का हम देखें रिजल्ट, 2018-19-20 एंड 20 का भी तो पूरा साल हुआ नहीं है, 21 का इसलिए रिजल्ट नहीं आया है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 31 मार्च को इसने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 1,000 करोड़, ये मिलियन में है बेसिकली, इसको डिवाइड करेंगे 100 करोड़। अगर हम 31 मार्च 2019 नेक्स्ट ईयर की बात करें तो इट्स 76 करोड़, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 25% का यहाँ पे उनको प्रॉफिट मार्जिन नीचे गया है। फिर अगर हम 31 मार्च लास्ट ईयर की बात करें तो फिर से थोड़ा सा इसने अपमूव दिखाया, विच इज ए गुड गुड पॉइंट। तो बेसिकली जब यहाँ पे था प्रॉफिट मार्जिन, वहां से यहाँ आया, फिर अभी यहाँ से यहाँ आया है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक तो ये कोरोना इन्फेक्टेड है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि इनका जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है वो कंटिन्यू रहा होगा, ब्रोकरेज से इन्होंने पैसे कमाए होंगे, लेकिन जो फिनेंस का दूसरा वाला बिजनेस है वो नहीं चला होगा क्योंकि कोविड में सारे बिजनेस इफेक्ट हुए हैं। एंड ये जो है आपका ये पूरा साल का भी रिकॉर्ड नहीं है, खाली 6 महीना का रिजल्ट है, तो अगर हम 6 महीने इसको into 2 भी करके मान के चले तो करीब करीब ये भी 700 के करीब आ रहा है, तो दैट इज इट इज शोइंग अगेन एट अ लेवल ऑफ दिस वन। तो लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज आप सबको पता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट को कंसिडर करके किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना बेवकूफी है, क्योंकि सारे के सारे कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो इम्पैक्टेड हुए हैं, तो उसको हमको नजरअंदाज कर देना है एज ऑफ नाउ। तो फ्रॉम आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो इतना तो श्योर है आंख बंद करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्राइस की बात करूँ, जो कि ऑफलाइन मार्केट है, जो कि अनऑफिशियल मार्केट है, वहां पे जो लेन देन हो रहा है उसका प्राइस मैं आपको डिस्कस करूँ, तो एंजल ब्रोकिंग का जो ग्रे मार्केट प्राइस है दैट इज गोइंग समवेयर अराउंड 40 रुपीज। तो यहाँ पे बहुत कम ही एक मार्जिन दिखा रहे हैं कि अगर ये लिस्ट होता है तो आपको ये +40 बना के दे सकता है, लेकिन ये बहुत मिनिमम दिखाता है। ये धीरे धीरे एक दो दिन में ये और भी अपग्रेड होगा, तो कुछ नहीं तो यहाँ पे कम से कम 40 से ज्यादा ही, मैं 50-60 रुपए की यहाँ पे मैं अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर 300 का स्टॉक है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 350 से 360 के बीच में लिस्ट होना चाहिए, एंड अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ तो ये 400 का लेवल भी दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं आप आराम से, आपको यहाँ पे 15-20% प्रॉफिट डेफिनेटली ये बना के दे सकता है, कंसिडरिंग कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि ये सब फर्म्स में ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपका हो सकता है। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं यहाँ पे जरूर इसमें इन्वेस्ट करूंगा, एंड मेरा जो पहला मोटो होगा दैट वुड बी टू बुक लिस्टिंग गेन्स। जैसे ये लिस्ट होता है मैं लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे बुक करना चाहूंगा। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है एंड कंटेंट मैंने सही बताया, मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर शेयर करें दोस्तों कलीग्स के साथ, क्योंकि ये आईपीओ का वीडियो है, बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन या फिर कुछ भी देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि मैं आपके लिए रिसर्च करूं एंड आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊं। दोस्तों, यू हैव अ लवली ट्रेडिंग डे एंड यू हैव अ लवली वीकेंड एज वेल। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी बैक सून।